मुंबई में कई मुशायरे हमने पढ़े हैं. मुंबई में पहला मुशायरा महाराष्ट्र के अंदर ऐसा हो जहां हर कम्युनिटी के लोगों को अनीस कुरैशी ने जोड़ा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको जोड़ा. आज के इस मुशायरे को देखकर मुझे एक वाकया याद आया कि किसी जंगल में आग लगी हुई थी तो एक छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच में पानी ले जाकर आग बुझा रही थी. तो उससे कौवे ने पूछा कि ये गौरैया, इतनी बड़ी आग, तेरे एक बूंद पानी से क्या जंगल की ये आग बुझ जाएगी? तो चिड़िया ने कहा कि मैं जानती हूँ ये आग मेरी एक चोंच पानी से नहीं बुझेगी, लेकिन जब इस जंगल की आग की तारीख लिखी जाएगी तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में होगा. आपके महबूब शायर, महबूब नेता अजीज कुरैशी का इस्तकबाल करें. मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो अपने कलाम से नवाजें. जो भी है, मैं इंशाल्लाह हालत आजरा पे ताजे मौजू पे कहने की कोशिश करूंगा. वैसे तो आप सब मुझसे वाकिफ हैं, किताबों सा खुला हूं मैं, ना कोई राज मेरा है. किताबों सा खुला हूं मैं, ना कोई राज मेरा है. बुराई के मुखालिफ हिंद में ये आगाज मेरा है. मुझे सच बोलने का हक यही कानून देता है. मैं जो बेबाक कहता हूं तो ये अंदाज मेरा है. दोस्तों, मैं हमेशा, कोई भी महफिल रहे, सियासी रहे, कितना भी बड़ा मंच रहे, मैंने हमेशा बेबागी से कहा है. और उन लोगों से ये कहना चाहता हूं जो सोई हुई कौम को मुर्दा समझ रहे हैं, जो सोई हुई कौम को मुर्दा समझ रहे हैं, लगता है समंदर को वो कतरा समझ रहे हैं. जो सोई हुई कौम को मुर्दा समझ रहे हैं, लगता है समंदर को वो कतरा समझ रहे हैं. दे दे के लहू अपना, बचाया है सरहदों को. दे दे के लहू अपना, बचाया है सरहदों को. वो आज हमें देश का खतरा समझ रहे हैं. जो माहौल, काफी कुछ चाय वाले के बारे में कहा, मैं तो इतना कहूंगा उस चाय वाले के लिए कि तेरे जुल्म के आगे अब इंसानों ने दम तोड़ दिया. तेरे जुल्म के आगे अब इंसानों ने दम तोड़ दिया. देख किसानों के कैसे अरमानों ने दम तोड़ दिया. तेरे जुल्म के आगे अब इंसानों ने दम तोड़ दिया. देख किसानों के कैसे अरमानों ने दम तोड़ दिया. ना तो अच्छे दिन ही आए, ना तो अच्छी रातें ही. ना तो अच्छे दिन ही आए, ना तो अच्छी रातें ही. शमा जलने से पहले परवानों ने दम तोड़ दिया. ये बहुत बहुत नवाजिश है. हमारे उस्ताद मोहतरम शायर हैं रागिब वेलवी साहब, जिन्होंने इज्जत अफजाई मेरी की है. मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं. दोस्तों, जिस तरह का माहौल आज हिंदुस्तान में हुआ है, उस पर तो मुझे चार मिसरे ये कहने का दिल होता है कि घर अपने देश में कहां अब घर सा लगता है. घर अपने देश में कहां अब घर सा लगता है. चारों तरफ फसाद का मंजर सा लगता है. घर अपने देश में कहां अब घर सा लगता है. चारों तरफ फसाद का मंजर सा लगता है. घर को जला रहे हैं ये नफरत की आग में. घर को जला रहे हैं ये नफरत की आग में. घर वापसी के नाम से अब डर सा लगता है. दोस्तों, चार मिसरे मेरे बेहद पसंदीदा है. ये मेरे, आप समझ लिए लीजिए कि ये हमारी जिंदगी का मामूल होना चाहिए. अल्लाह ताला इसे हमारी जिंदगी में उतार दे. सर पर हमारे रख कर ये दस्तार आपने, सर पर हमारे रख कर ये दस्तार आपने, दुनिया में कर दिया हमें मुख्तार आपने. सर पर हमारे रख कर ये दस्तार आपने, दुनिया में कर दिया हमें मुख्तार आपने.
कल तक थी बेवजूद हमारी ये जिंदगी, कल तक थी बेवजूद हमारी ये जिंदगी, मकसद दिया है जीने का सरकार आपने, मकसद दिया है जीने का सरकार आपने। कई शुक्रिया, कई कई मौके दोस्तों आते हैं, हवा कभी रुक हमारे खिलाफ होती है, कभी साथ होती है, लेकिन मैं घबराता नहीं। मुखालिफ मुखालिफ हवा है, निदा साथ है, मुखालिफ हवा है, निदा साथ है, मैं टूटा नहीं हूं, खुदा साथ है। मुखालिफ हवा है, निदा साथ है, मैं टूटा नहीं हूं, खुदा साथ है, बचाता है यूं वो मुझे बार बार, ये किस्मत है मां की दुआ साथ है। मेरे दोस्तों, अब चंद अशार मैं कह रहा हूं, ये किसी के ऊपर नहीं है भाई, किसी पे तंज भी नहीं है, कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा। उस्ताद जो मोहतरम जनाब राकीब साहब ने कहा, बड़े अच्छे अशार कहे, लोगों का दिल भी जीत लिया, बेहतरीन कौवे से लेके गिद्ध तक की मिसाल दे डाली। कौवा मीनार पे बैठता है, कोई मीनार बेचता है, और वाकई में आपने खूब कहा कि गिद्ध कितनी भी ऊंचाई उड़ान उड़ ले, आखिर मुर्दार ही खाता है, है ना? सही बात है, बेकार सही बात है। तो मुझे ये सोचने पे मजबूर हो जाता हूं मैं, जब ऐसे सब हालात आते हैं तो यशार देखिएगा कि दिल में जाने क्यों अक्सर ये सवाल आता है, दिल में जाने क्यों अक्सर ये सवाल आता है, बाद हर बुलंदी के क्यों जवाल आता है। दिल में जाने क्यों अक्सर ये सवाल आता है, बाद हर बुलंदी के क्यों जवाल आता है। आग जब लगेगी, आग जब लगेगी तो फिर धुआं भी उठेगा, आग जब लगेगी तो फिर धुआं भी उठेगा। कुछ किए बिना सर पर कब वबाल आता है, कुछ किए बिना सर पर कब वबाल आता है। तो दोस्तों ये सारी बातें हैं, आग जहां लगती है वहीं धुआं उठता है। दूसरी चीज, जब आग लगती है तो गर्दिश में सितारे होते हैं, उस पर चार मिश्रे देखिएगा कि गर्दिश में हो वक्त, गर्दिश में हो वक्त अगर तो साए सर से हटते हैं, गर्दिश में हो वक्त अगर तो साए सर से हटते हैं, औरों को मिटाने वाले खुद आखिर मिट जाते हैं, औरों को मिटाने वाले खुद आखिर मिट जाते हैं। और चाहे चाहे जो भी खेलो खेल, सियासत का या शतरंज का, चाहे जो भी खेलो खेल, सियासत का या शतरंज का, प्यादे तो प्यादे हैं आखिर में पिट जाया करते हैं। ये जो प्यादे पिटे हैं ना, खैर, मगर हमें जो मोहरे चला रहे हैं ना, उनसे होशियार रहना है, क्योंकि हम लोगों को लोगों ने प्यादा समझकर इस्तेमाल किया है। और आज जो बड़े बड़े लोग जो मोहरों को पिटवाने का काम कर रहे हैं, और आज उनकी जबानें बंद है, शर्म आने चाहिए उनको जो बेदा इस्तेमाल हमारे नौजवानों का कर रहे हैं। आप ये गजल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तहजीब जो संभाले वो सरदार कौन है, तहजीब जो संभाले वो सरदार कौन है, इस तख्त व ताज का यहां हकदार कौन है। तहजीब जो संभाले वो सरदार कौन है, इस तख्त व ताज का यहां हकदार कौन है। नफरत का जहर घोल दिया किसने हिंद में, नफरत का जहर घोल दिया किसने हिंद में, बदली हुई फिजा का गुनहगार कौन है, बदली हुई फिजा का गुनहगार कौन है। और जलते हुए चमन की यहां फिक्र है किसे, जलते हुए चमन की यहां फिक्र है किसे, सोए हुए हैं सब यहां बेदार कौन है। जलते हुए चमन की यहां फिक्र है किसे, सोए हुए हैं सब यहां बेदार कौन है।
اور یہ شعر دیکھئے گا بگڑا ہوا ہے کس کا توازن پتا ہے سب بگڑا ہوا ہے کس کا توازن پتا ہے سب ہم جانتے ہیں ذہن سے بیمار کون ہے بگڑا ہوا ہے کس کا توازن پتا ہے سب ہم جانتے ہیں ذہن سے بیمار کون ہے اور تاریخ ہی بتائے گی یہ شعر دیکھئے گا تاریخ ہی بتائے گی دنیا کو ایک دن کس نے کیا وفا یہاں غدار کون ہے تاریخ ہی بتائے گی دنیا کو ایک دن کس نے کیا وفا یہاں غدار کون ہے اور ہم کو ہے ناز اپنی یہ اردو زبان پر صاحب یہ دیکھے گا ہم کو ہے ناز اپنی یہ اردو زبان پر جو بزم میں بتائے اثردار کون ہے جو بزم میں بتائے اثردار کون ہے اور یہ مقطع کا آخری شعر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ سر پر تو ہم نے باندھ لیا ہے کفن انیس سر پر تو ہم نے باندھ لیا ہے کفن انیس مٹنے کو اپنے دیش پہ تیار کون ہے